न्यू पेंशन कर्मचारी महासंघ हिमाचल प्रदेश में पुरानी पेंशन बहाली को लेकर अंबेडकर चौक चौड़ा मैदान में धरना प्रदर्शन किया गया। महासंघ ने 6 मार्च को बजट में ओल्ड पेंशन को बहाल करने की मांग की है। पुरानी पेंशन बहाल नहीं की जाती है तो महासंघ ने उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। न्यू पेंशन स्कीम कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष प्रदीप ठाकुर ने बताया कि संघ को उम्मीद है कि 6 मार्च को पेश होने वाले बजट में सरकार उनकी मांग को पूरा करेगी। संघ पिछले 5 सालों से पुरानी पेंशन की बहाली के लिए सरकार से मांग कर रहा है, लेकिन अभी तक सरकार नहीं जागी है। उन्होंने कहा कि अगर सरकार 6 मार्च को पेश होने वाले बजट में पुरानी पेंशन की बहाली नहीं करती है तो कर्मचारी महासंघ 7 मार्च से शिमला में क्रमिक अनशन पर बैठ जाएगा, जो पूरे सत्र जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि पूरे सत्र के दौरान पुरानी पेंशन बहाल नहीं किया जाता है तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। मैं प्रदीप ठाकुर, अध्यक्ष नई पेंशन स्कीम कर्मचारी महासंघ हिमाचल प्रदेश। हमारी मांग सिर्फ एक ही है, पुरानी पेंशन बहाली, जिसके लिए हम लगातार पिछले 5-7 वर्षों से प्रयास कर रहे हैं। सरकार के समक्ष हमने अपनी मांग को बार बार रखा है, लेकिन सरकार जानबूझकर ना समझ बनकर बैठी है। हमें उम्मीद है इस तरह के हम शांतिपूर्ण जो हमने आज पेंशन व्रत रखा है, इससे सरकार तक जरूर एक संदेश जाएगा। हम आप सबसे भी निवेदन करते हैं सरकार तक हमारी बात पहुंचाएं, क्योंकि मीडिया एक बहुत अच्छा माध्यम है, और हम उम्मीद करते हैं कि आप भी हमारी बात पहुंचाएं और सरकार से भी निवेदन करते हैं कि वो हमारी मांग को पूरा करें। देखिए, ये आज हमारा एक सांकेतिक पेंशन व्रत है। हम सरकार से चाह रहे हैं, हम सरकार से प्रार्थना कर रहे हैं, हम शांतिपूर्ण तरीके से अपना पेंशन व्रत कर रहे हैं। आप हमारी मांग पूरी करें, हमें उम्मीद है सरकार हमारी मांग जो है इस बजट सत्र में पूरी करेगी और 6 मार्च को अपने बजट सत्र में कर्मचारियों के लिए पेंशन बहाली के रूप में तोहफा देगी। अगर सरकार 6 मार्च को हमारी मांग पूरी नहीं करती तो 7 मार्च से शिमला में ही कर्मचारी क्रमिक अनशन पर बैठने वाले हैं। ये क्रमिक अनशन तब तक जारी रहेगा जब तक ये बजट सत्र रहेगा। अगर इस बजट सत्र के पूरे बजट सत्र के दौरान भी सरकार की तरफ से कोई ठोस कदम, ये कर्मचारियों के हित में कोई कदम नहीं उठाया जाता, तो बहुत उसके बाद जो है ये संघर्ष और तेज होने वाला है, जिसकी रणनीति संगठन द्वारा बीच में बनाई जाएगी और बीच में जो हमारी बैठक होगी उसमें हम और इस संघर्ष को तेज करने के लिए रणनीति बनाएंगे। इस उस रणनीति से के संबंध में आप सबको हम अवगत करवा देंगे।